कि बदरुद्दीन अजमल साहब कल को यह नहीं कह दें कि बादशाह अकबर ने अपनी बेगम के कान में कहा था कि अब मैं पूरा हुकूमत हिंदुस्तान वक्फ करता हूं, तो क्या इस देश के नागरिक मेरे और बदरुद्दीन अजमल सहित सभी लोगों को क्या बंगाल की खाड़ी में चला जाना चाहिए? बदरुद्दीन अजमल साहब केवल यही नहीं कहे कि यह पूरा देशी वक्फ है, इस देश के सभी नागरिक इस देश से बाहर निकलें। जितने भी इस देश में आताताई जिन्होंने इस देश को लूटने का काम किया, और हर चीज़ का कागज़ मौजूद है, अगर पर्शियन में कोई कागज़ हो, अगर कोई फारसी में हो, कोई उर्दू में हो, कोई अरबी में कागज़ हो, तो कोई दिखाए। दिक्कत यहाँ यह है कि कुछ लोगों की मानसिकता है कि इस देश में विभाजन को बढ़ावा दें, और ये लोग इस तरह की बकवास करते हैं। देश में 1954 में वक्फ का कानून आया है, जो भी ज़मीनें दान में दी गई हैं सभी के कागजात बिल्कुल क्लियर हैं। यह जानबूझ के इस तरह की अफवाह फैला करके देश में विभाजनकारी मानसिकता को, वैमनस्यकारी मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए अजमल साहब जैसे लोग झूठ की रोटी पर अपनी राजनीति चलाते हैं। सच यह है कि हर जमीन का 1910 में क्लियर कागज बना था, और सरकार ने खुद लिख दिया था कि यहाँ मंदिर है, यहाँ मस्जिद है, जो भी जिसकी संपत्ति है। वक्फ और मस्जिद केवल बहाना है, असली पर्पस जो है वह है कि 80% संपत्तियाँ जो न मस्जिद हैं, न कब्रिस्तान हैं, न इदारे हैं, उन संपत्तियों को लूटने के लिए मुंह से कानून चलते रहे, यही बदरुद्दीन अजमल जैसे लोगों का लक्ष्य है। नहीं, वो तो मैंने एक मजाक में कहा कि बदरुद्दीन अजमल साहब कल को यह नहीं कह दें कि बादशाह अकबर ने अपनी बेगम के कान में कहा था कि अब मैं पूरा हुकूमत हिंदुस्तान वक्फ करता हूं, तो क्या इस देश के नागरिक मेरे और बदरुद्दीन अजमल सहित सभी लोगों को क्या बंगाल की खाड़ी में चला जाना चाहिए?